गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या पढ़ना है आपको आज? वर्णों से वर्णों को मिलाएं। ट वर्ण को आपने मिला लिया था, आज ठ वर्ण को मिलाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी पढ़ाई की ओर। उससे पहले आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। नोटबुक पेंसिल इरेजर निकाल लीजिए। वर्ण है नर्सरी, तारीख है 4/10/2020, विषय हिंदी। तो आपको पढ़ना है वर्णों से वर्णों को मिलाएं। वर्णों से वर्णों को मिलाएं। हरस्वती ठ दीप्ति ठ हरस्व उ ठ दीप उ ठ री ठ। तो बच्चों ये था हमने बीच में लिखा, और इस चारों तरफ जो हमने वर्ण लिखा है उसमें ठ वर्ण भी है। आइए ढूंढते हैं और उसे मिलाते हैं। सबसे पहले अ ठ मिलाएंगे हम? नहीं, क्योंकि ये अलग अलग वर्ण है। फिर क्या है ये? ठ ठ, ये दोनों एक समान वर्ण है, इसे मिला दीजिए। फिर है आ ठ, ये अलग अलग वर्ण है, नहीं मिलेगा। ठ ठ, ये दोनों एक समान है, इसे मिला दीजिए। फिर है ई ठ, इसे क्या करेंगे हम? नहीं मिलाएंगे। ठीक क्या है? ठ ठ, एक समान वर्ण, इसे मिला देंगे। फिर है ई ठ, नहीं मिलेगा। ठ ठ, ये दोनों मिल जाएगा, एक समान वर्ण है इसलिए। फिर क्या
नहीं, अलग अलग पार्ट है ना, फिर ठ ठ ये दोनों मिल जाएगा। फिर है उ ठ नहीं मिलेगा, ठ ठ ये मिल जाएगा। री ठ ये नहीं मिलेगा। फिर है ठ ठ ये मिल जाएगा। तो देखा हमने कैसे ठ को ठ वर्ण से मिला दिया। आइए अब इसे हम चेक करते हैं, मिलाते हैं सही सही हमने मिलाया गया नहीं। अ ठ नहीं मिलाया है, जहां नहीं मिला हुआ है वहां समझ लीजिए वो एक जैसे वर्ण नहीं है, एक समान वर्ण नहीं है, और जहां मिला हुआ है वहां एक समान वर्ण है, ठीक है। फिर है ठ ठ एक समान वर्ण मिला हुआ है, आ ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया, ई ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया, ई ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया, उ ठ नहीं मिला, फिर ठ ठ मिल गया, उ ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया, री ठ नहीं मिला, फिर ठ ठ मिल गया, अ ठ नहीं मिला। तो इस तरीके से हमने ठ वर्ण को ठ वर्ण से मिला दिया। अब आइए इसे हम देखते हैं फिर से सही सही मिलाया है या नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए, अ ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया, फिर है आ ठ नहीं मिला, ठ ठ मिला दिया, ई ठ नहीं मिलाया, ठ ठ मिला दिया हमने, ई ठ नहीं मिला, फिर ठ ठ मिल गया, उ ठ नहीं मिला, ठ ठ मिला दिया, उ ठ नहीं मिला, फिर ठ ठ मिल गया, री ठ नहीं मिलाया, ठ ठ मिल गया। चलिए तो हमने ठ वर्ण को ठ वर्ण से मिलाया, अब हम ड वर्ण को मिलाएंगे। ठ के बाद क्या होता है, ड, सबसे पहले ड, फिर ट के बाद ठ, और ठ के बाद ड, ठीक है ना, क्या है ठ के बाद ड। तो आइए हम ड वर्ण को भी मिलाएंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलग अलग वर्ण लिखेंगे, अ ड आ ड ई ड ई ड उ ड उ ड री ड फिर ए ड, ठीक है ना। अब इसे फिर से हम क्या करेंगे, इसमें ड वर्ण को ढूंढेंगे और बीच वाले ड वर्ण से मिलाएंगे। तो सबसे पहले अ ड मिलेगा नहीं, छोटे के इसे नहीं मिलाएंगे। फिर आगे ढूंढेंगे ड वर्ण है या नहीं, तो आगे देखिए क्या है, ये ड ड दोनों एक समान वर्ण है, तो इसे मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे। चलिए मिला दिया हमने।
बताइए बच्चों, मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? ये अलग अलग वर्ण है। फिर है ड, ड मिलेगा? बिल्कुल, ये एक समान वर्ण है। फिर ई ड मिलेगा? नहीं। फिर ड ड मिल जाएगा, एक समान वर्ण है ना। फिर ई ड नहीं मिलेगा, ड ड मिल जाएगा, उ ड नहीं मिलेगा, ड ड मिल गया। फिर है उ ड नहीं मिलेगा, ड ड मिल गया। री ड नहीं मिलेगा, ड ड मिल जाएगा। ए ड नहीं मिलेगा, फिर ड ड मिल गया। तो बच्चों इस तरीके से हमने ड वर्ण को ड वर्ण से मिला दिया। चलिए अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, मिलाते हैं सही से मिलाया या नहीं। तो अ ड क्या किया हमने इसे? नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? ये अलग अलग वर्ण है। फिर ड ड इनको मिला दिया। क्यों मिलाया? ये एक समान वर्ण है। फिर आ ड नहीं मिलाया, ड ड मिला दिया। ई ड नहीं मिलाया, फिर ड ड मिल गया। ई ड नहीं मिलाया, ड ड मिल गया। उ ड नहीं मिला, फिर ड ड मिल गया। उ ड नहीं मिला, ड ड मिला दिया हमने, एक समान वर्ण है। फिर री ड नहीं मिला, ड ड मिल गया। ए ड नहीं मिला, ड ड मिल गया। तो इस तरीके से बच्चों आपने ड वर्ण को ड वर्ण से मिलाया। तो देखा आपने किस तरीके से हमने ड सॉरी ठ और ड वर्ण को मिलाया। चलिए एक बार और दोनों को हम चेक कर लेते हैं, साथ में पढ़ भी लेंगे और अक्षर का भी अभ्यास हो जाएगा पढ़ने का। चलिए अ ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया। आ ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया। ई ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया। ई ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया। उ ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया। उ ठ नहीं मिला, फिर ठ ठ मिल गया। री ठ नहीं मिला, ठ ठ मिल गया। आइए ड को मिलाते हैं। अ ड नहीं मिला, ड ड मिल गया। आ ड नहीं मिला, ड ड मिल गया।
ई ड नहीं मिला, ड ड मिल गया, ई ड नहीं मिला, फिर ड ड मिल गया, उ ड मिल गया, ड ड नहीं मिला, उ ड नहीं मिला, ग ड मिल गया, री ग नहीं मिला, ड ड मिल गया, ए ड नहीं मिला, ड ड मिल गया। तो बच्चों हमने ध और ड इन वर्णों को मिलाया। तो आज बस इतना ही, आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और हर एक अक्षर वर्ण को जरूर ध्यान में रखिएगा ये कौन सा अक्षर है। अक्षर का पहचान रहेगा आपको, आप उसे जानते रहेंगे तो आप कुछ भी पढ़ पाइएगा, सब कुछ आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।